काली मिर्च, हरी मिर्च और लहसुन मैंने डाले हैं उसमें। एक छोटा टमाटर मैंने लिया है पेस्ट बनाने के लिए। ये हमने प्याज काटे हैं 3 मीडियम साइज़ के। तेल गर्म हो चुका है, तेल मेरा गर्म हो गया है। मैं इसमें प्याज डालूंगी। इसे ब्राउन होने तक मैं भून लूँगी, उसके बाद लाल हो जाए तो उसके बाद मैंने पेस्ट डालूँगी। मैंने मसाला का पेस्ट बना लिया है, उसमें मैंने डाला है हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर। इसमें मैं 2 टमाटर डालूँगी। 1 मैंने टमाटर इसमें डाल लिया है, मैं इसे इसमें डाल दूँगी। इस मसाले को मैं लाल होने तक भूनूंगी, उसके बाद जब लाल हो जाएगा तेल छोड़ देगा मेरा मसाला। उसके बाद मैं चना और आलू मिक्स करके इसमें उतार लूँगी, नमक स्वाद अनुसार। नमक मैंने स्वाद अनुसार डाल दिया है और मैं इसे लगभग सब्जी चने की बनाऊँगी, जो कि बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बन जाता है कम समय में। कच्ची का मेरा मसाला तेल छोड़ रहा हूँ, पक चुका है। इसमें मैं थोड़े 2 मिनट के बाद मैं इसमें चना डाल दूँगी। देखिए दोस्तों, मेरा मैंने दाल बनाई थी, दाल भी मैंने तड़का लगा दिया है। मसाला मेरा भून के तैयार हो गया था, मैं उसमें चने और आलू मिक्स कर रही हूँ। एक बार आप लोग भी फ्रेंड इस तरह बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी एंड स्वादिष्ट लगेंगे। देखिए आलू और चने की सब्जी, सूखी सब्जी मैंने बन गई, सूखी पानी निकाल भी लिया है। मैंने सर्व किया है, मैं जा रही हूँ देने के लिए खाना। गया है दोस्तों, अगर मेरा चैनल मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिएगा।